सब के दुख समाप्त हो ये काम ना करें, सबके सुख व शांति के लिए चलो करें, सबके सुख व शांति के लिए सर्वधर्म वार्ता की ज्योति हाथ में, संवाद इब्तिदा है तो मंजिल सुहाग में, एक मानव जाति की है नीति साथ में, नफरतों की रात को उठो सहर करें, सबके सुख व शांति के लिए चलो चले, सबके सुख व शांति के लिए। श्याम ध्यान कर्म भक्ति प्रेम अपना धन, देखो उपस्थ ध्यान का सतयुग का आगमन, रंग लिंग भाषा का संवाद दे मिलन, सत्य दे भलाई के सहयोग सब करे, सबके सुख व शांति के लिए चलो करे, सबके सुख व शांति के लिए। इस्लाम धर्म के विषय में जब प्रस्तुति चल रही थी तो उसमें प्रश्नोत्तर में चूंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो के मालूम है और सब जानते हैं, मुझे मैं भी जानता हूं और दूसरे भी आप सब भी जानते हैं कि कुछ प्रश्न तो सामने के हैं जो आते ही हैं, तो उनको तो मैं तरतीब से मैं ले लेता हूँ। उनके बारे में जिहाद है, मांसाहार है या जीव हत्या के नाम से आता है बातचीत में, तो उन्हें तो मैं तरतीब से ले लेता हूँ यहाँ पर समझाने के लिए, उसके बाद फिर जो प्रश्न होंगे ये भी और इससे अलग भी और वो भी कि जैसे आप समझें कि आप कुछ इस्लाम के बारे में आपने सुना या आप जानते हैं, मैंने यहाँ पर नहीं रखा था, तो वो भी उस पर भी उस विषय पे भी फिर सवाल उठा सकते हैं या रख सकते हैं। तो मैं जिहाद पर रखना चाहता हूँ पहले जो बातें, जिहाद जो चीज कहलाती है, जिहाद के माने आपने बताया, शांति के लिए संघर्ष। जी जी जी, तो उसमें ये प्रेजेंटेशन अब आएगा, कुरान की आयतें भी आएंगी यहाँ इसके ऊपर, इधर के स्क्रीन या इधर के स्क्रीन पे आप देख लेंगे, जिहाद वाला जरा सा ले लीजिए स्लाइड। तो एकता मंच के नाम से फोल्डर होगा या क्या है आपका, बता दिया था पहले से क्या कह रहे थे, मैंने दी स्लाइड इसमें है मेरे पास, आपके पास नहीं है, वही जो आपने मुझे दी अभी मैंने कॉपी किया था, जो आपने अभी आपसे अभी ली, मैंने अभी इसी लैपटॉप को उसी से कॉपी किया है। लीजिए की नहीं है आपने कॉपी सारी, जी ठीक, अभी बंद होकर जो है खोल रहा हूं। उसी स्लाइड को रहने दीजिए, कुछ और मत लाइए और इसको आगे चलाएंगे हम। जी नेक्स्ट स्लाइड, आवाज जा रही है वहां पर अंदर क्या, आवाज को रखें या दरमियान में कोई खड़े हो। तो जिहाद की मैंने बताया था कि, या अगर नहीं बताया था तो इसे तरतीब से देख लें कि जिहाद या सशस्त्र संघर्ष हमारे ध्यान में यही आता है इससे, और लड़ाई आती है उसके नाम के साथ में आतंकवाद जोड़ता है, या मुसलमानों के ध्यानों में ये होता है कि कोई जंग है संग्राम है कोई, तो जिहाद शब्द के मीनिंग ही, जिहाद कुरान में बहुत आया ये शब्द, किसी एक भी जगह जंग के लिए या युद्ध के लिए नहीं आया है। युद्ध के लिए अरबी में अलग शब्द है जो कुरान में आता है, किताल,
युद्ध के लिए अरबी शब्द आता है किताल जो कुरान में है, लेकिन जंग ये जिहाद जो है, जिहाद के माने हैं लगातार संघर्ष। और संघर्ष किस चीज के लिए? संघर्ष तो फिर लड़ाई के लिए नहीं है, संघर्ष तो जब इस्लाम का मतलब अर्थ शांति है तो शांति के लिए, तो या अच्छाई के लिए या भलाई के लिए लगातार संघर्ष। जिहाद तो ऐसी चीज है जहां हम आपस में एक दूसरे से अपील करें कि हम सब मिलकर करें, उसका नाम के मीनिंग बिगाड़ दिया और उसका मिसयूज किया है। और वो मीनिंग इसलिए बिगड़े कि जब शांति के लिए भी, जब कहीं अगर कोई शांति स्थापना होती है और उसके प्रयास के लिए लोग खड़े होते हैं, तो ऐसे सिचुएशन ऐसी आ सकती हैं कि जिसके अंदर लड़ना जरूरी हो जाए, किसी दूसरे ने हमला किया, कोई भी सिचुएशन ऐसी आ सकती है तो जिसके अंदर लड़ाई जरूरी हो जाए, तो इसलिए कभी कभी वो हिस्सा भी जिहाद कहलाता है जहां शांति या भलाई के लिए किसी जगह मजबूरी में हथियार उठाने पड़े। उसकी जो कंडीशन है वो तीन है जो कुरान ने दी है। ये नेक्स्ट स्लाइड उसे जरा सा रखिएगा, ख्याल कोई रहे जी। ये आयत है, ये आपके स्क्रीन के ऊपर कुरान की आयत नंबर 22 है। और नेक्स्ट ट्रांसलेशन इसकी आयत नंबर 39 एंड 40। और उसमें ये कि उज़ीन युकातिलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमु, उनको जिनके खिलाफ, जिन खुद दूसरों ने जिन उनके ऊपर जुल्म किया तो और उनके विरुद्ध युद्ध किया, तो उनको अब परमिशन दी जा रही है। ये डिफेंसिव बात है कि उनको इजाज़त दी जा रही है कि वो भी जंग कर सकते हैं जब दूसरों ने किया। और ये वो लोग हैं जिन्हें उनके घरों से निकाला गया, और सिर्फ इसलिए कि वो अपने एक ईश्वर को मानने वाले थे, तो सिर्फ धर्म के आधार पर उन्हें निकाला गया और मारा गया और लोग जंग करने आए। तो ये तो डिफेंसिव वार है और सारी दुनिया इस सिद्धांत को मानती है, वहां से संयुक्त राष्ट्र से, यूनाइटेड नेशन से लेकर, और हर देश जो है कि कोई दूसरा अगर ज्यादती कर रहा है और हमला कर रहा है तो हम डिफेंस कर सकें। कुरान डिफेंस ही नहीं बल्कि ऑफेंस की बात भी करता है कुछ सिचुएशन के अंदर। ये सूरह नंबर 4 और आयत नंबर 75, जाकर लड़ो, अपने यहां से दूसरी जगह जाकर लड़ो, और उसकी सिर्फ एक सिचुएशन है और वो ये है, ये उसका ट्रांसलेशन है आयत का, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 75, कि कोई अगर कोई वर्ग ऐसा हो, ये एक दो की बात नहीं हो रही, किसी एक दो के ऊपर छुटपट कहीं आपस में लड़ाई हो गई, ज्यादतियां हो गई, किसी ने दूसरे को दबाया, इसकी नहीं है, बल्कि अगर पूरा का पूरा कोई वर्ग, कोई बड़ी कौम, उसको दूसरों ने कुचल दिया हो, बुरी तरीके से कुचल दिया हो, और वो चीख पुकार लगातार मचा रहे हो, और कोई तो हमारी सहायता के लिए आता, तो ये कहा गया कि क्या वजह है ये, उनके लिए मुसलमान होना जरूरी नहीं है, वो जिनके ऊपर ज्यादती या जुल्म हो रहा है, तुम तो उनकी मदद के लिए जाते क्यों नहीं, और जंग करनी पड़े तो जंग करो, लड़ो, जालिम का हाथ रोकते क्यों। ये दूसरी सिचुएशन है जिसके अंदर हथियार उठाने की बात की इजाजत है, या इजाजत का यहाँ पर तो आदेश है कि तुम्हें जाना है और उनको कहीं जुल्म को रोकना है, अगर बड़े लार्ज स्केल के ऊपर, बड़े पैमाने के ऊपर, किसी पूरी पूरी कौम के ऊपर कहीं ऐसा जुल्म हो रहा है कि उनको कुचल दिया गया है, बच्चे बड़े बूढ़े और औरतें वहां चिल्ला रहे हैं और चीख रहे हैं लगातार। फिर नेक्स्ट है तीसरी कंडीशन इन दोनों के बीच की है, वो ये है कि किसी से अगर संधि थी, किसी कौम से कोई एग्रीमेंट था या मुआहदा था, और ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट उनकी तरफ से हुआ, यहाँ तो इजाजत किसी हालत में नहीं है कि तुम्हारे के कुरान के मानने वाले कभी भी संधि को तोड़ें या ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट करें, लेकिन ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट वन साइडेड अगर दूसरी तरफ से हुआ तब वो ओपन है, कर दिया है वहां पर कि वहां अगर जंग करना चाहो तो कर सकते हो, इसलिए कि वो अपने वक्त के ऊपर अपनी चॉइस से अचानक हमला कर दें, कोई बात करें, तो उस कंडीशन में जंग की इजाजत है। इन तीन के अलावा चौथी कोई कंडीशन नहीं है, किसी तरह की नहीं कि किसी में जंग की जा सके, ना धर्म फैलाने के लिए, ना कोई इस्लामी स्टेट बनाने के लिए, इसलिए कि वो कुरान की जो बेसिक, जो मूल दर्शन है, बेसिक फिलॉसफी, उसके खिलाफ हो जाता है कहीं पर भी अगर किसी जगह जबरदस्ती की जाए। तो उसमें यह है सूरह नंबर 10 और आयत नंबर 99, आगे नेक्स्ट आ जाए इसका ट्रांसलेशन दीजिए, वलो शा रब्बुकल आमर अमल फिल अर्ज, ये अगर कहा कि ईश्वर चाहता है, तुम्हारा रब चाहता है, तो वो सबको, जिसे ईमान लाने वाला तुम अपने आप को कहते हो हम ईमान लाएंगे, वो सबको ऐसे नहीं बना के खुद पैदा कर देता, तो वो तो खुद ये कर सकता था, इसलिए अब हम तुमसे करवाएंगे जबरदस्ती। हमने तो यहाँ पर इस्लाम का तो मूल दर्शन ही है कि इंसान यहाँ पर है, उसको चॉइस दी गई है,
और उस चॉइस का और गाइडेंस दे दी गई है, उस चॉइस का उसे अपना इस्तेमाल करना है, तो चॉइस खत्म हो जाती है किसी के साथ अगर जबरदस्ती की जाए तो, कि तुम्हें ये करना जरूरी है तो वो जबरदस्ती। फिर कुरान में बहुत आयतें हैं इसके ऊपर, मैंने तो ये मूल बात बता दी कि वो उसने कहा कि हम तो खुद सबको ऐसे ही पैदा कर देते जिसने पैदा किया, तो अब तुमसे कैसे कहें, अब हम हमें तुम्हें आदेश भेजेंगे कि तुम लोगों को इस्लाम में ले आओ या लोगों को उसके अंदर ले आओ, ये तो हम खुद कर सकते थे। तो ये तो लोगों को खुद उनका टेस्ट था और उनको समझना था, और जैसा जो कुछ होगा उसका हिसाब ईश्वर के पास होगा, तुम्हारा उसमें कोई बीच नहीं है। कुरान में बहुत आयतें हैं इसके ऊपर, लाइक राह फिर दीन छोटी थी, दीन में कभी धर्म के मामले में कभी जबरदस्ती नहीं चलेगी। एक जगह कहा कि वो मानता भी मुसैत, तुम्हें उनके ऊपर कोई दारोगा बना के भेजा लोगों के ऊपर कि जो तुम चाहते हो वो सब करवा दो। खैर, अब ये जितनी भी आयतें हैं इन सब के साथ में कुरान में है, जहां जहां है, जहां युद्ध की बात आई, युद्ध की सिचुएशन जहां पर आ रही है, वहां सब जगह पर कोड ऑफ कंडक्ट भी है सब जगह। तो अब जैसे ये वो आयतें हैं, ये आयत नंबर 190, ये वो आयतें हैं जिनकी किताबों पुस्तकों में छापी गई है 190 से लेकर 193 तक की, ये वो आयतें हैं जो नफरत फैलाती है। तो पहली बात तो ये कि ये युद्ध के प्रसंग में है, और वो युद्ध तभी होगा या जंग तभी होगी जब वो जो तीन शर्तें आ गई, उसके अलावा जंग की इजाजत नहीं, उसकी वजह से अगर जंग हुई है, युद्ध हुआ है, तो उस वक्त फिर यह है कि कहा गया कि फिर पीछे मत हटना, ये लड़ने वालों से लड़ना, लेकिन साथ में उसी के ये हिस्सा तो लेते हैं कि अल्लाह के रास्ते में उनसे लड़ो जो तुमसे लड़ने आए, लेकिन साथ तुम्हारे हाथों से ज्यादती नहीं है, ये साथ में इस हिस्से को काट दिया जाता है और ये हिस्सा प्रेजेंट नहीं किया जाता, आयत में से काट दिया जाता है। तो हर सब जगह पर ये भी चीजें साथ में मौजूद है जहां जहां युद्ध की बात की गई। और फिर ये आयत नंबर 191 है, उसका ट्रांसलेशन है, नेक्स्ट आयत हिंदी में ले लें, कि मैं युद्ध क्षेत्र के अंदर जहां कहीं भी मिले दुश्मन तो वहां तो मरना वो मारना है, पीछे मत हटना। लेकिन इसके बाद फिर आखिर एंड इसी के ऊपर हुआ, आयत नंबर 192 उसके फौरन बाद, लेकिन अगर वो बाद आ जाए नेक्स्ट फाइन तो फाइन अल्लाह गफूर रहीम, बड़ी छोटी थी पूरी एक आयत हो गई दरअसल, कि लेकिन अगर वो जो ज्यादती करने आए थे वो ज्यादती से बाद आ जाए तो फिर उसके बाद जंग की तुम्हें इजाजत नहीं है। ये तो सिर्फ मैदान जंग की बात थी कि वहां पर पीठ मत दिखाना, लेकिन अगर वो ज्यादती से जो ज्यादती उन्होंने हमला करने वाले थे वो ज्यादती से बाद आ जाए तो फिर ईश्वर का काम भी दया करना है, तुम्हारा काम भी दया करना है। जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुल मिलाकर कुल कुरान का मकसद जो है वो समाज के अंदर शांति स्थापित करने का है, और ताकि सब लोग सौहार्द और प्रेम से रह सकें, मूल मकसद तो यही है। अगर कहीं बीच बीच में थोड़ी सी रुकावट आ रही है, मैं उसे सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाकी इससे तो ला ही नहीं रहा है? मैं तो सिर्फ उसे ला रहा हूँ जिन आयतों को लाया जाता है कि साहब ये तो कुरान में तो लड़ने का लिख रहे हैं, इसी को लेकर लोगों को इन्हीं चीजों को काट कर आतंकवादी बनाते हैं, उनको जो ट्रेनिंग देते हैं, देखो इस्लाम ये कह रहा है कि गर्दनें उड़ा देना, वहां आतंकवाद की कोई गुंजाइश नहीं है कहीं से कहीं तक भी। अब ये तो मैं रख रहा हूँ चीजें नहीं, तो अब सवाल ये कि लाखों करोड़ों लोग मानने वाले हैं पूरी दुनिया में, उनमें से कोई भी कहने के लिए तैयार नहीं है जो बात आप कह रहे हैं वो बात दूसरे लोग क्यों नहीं कहते? सब कहते हैं, लेकिन जो लोग बना रहे हैं ऐसा नहीं कि नहीं कहते, कहते हैं, लेकिन जो लोग कर रहे हैं उनका तो अपना मिशन यही है और वो उस पे लगे हुए हैं, भर्ती कर करके उनको सिखाते हैं। अब है क्या, कहते हैं खाली, लेकिन अच्छाई वाले लोग जो हैं वो खड़े नहीं होते इकट्ठे मिलकर कुछ करने के लिए। अब आतंक वाले या लड़ने वाले या फसाद फैलाने वाले ये निकलते हैं फसाद के लिए, और अच्छे लोग बुरा कहते रहते हैं उन्हें, वो इकट्ठे होने के बाद मुकाबले के लिए निकलते नहीं है, उसे रोकने के लिए निकलते नहीं है, ये एफर्ट नहीं होती कि साथ मिलकर हमें कुछ करना है, अपनी जगह कह दिया ये बहुत बुरा है ये गलत कर रहे हैं। सवाल तो अच्छाई फैलाने वाले निकलने बंद हो गए। अगर 1,00,000 लोगों में 1,000 आदमी भी एक नहीं 10% 1% भी अगर तैयार हो तो समाज में बदल आएगी कि नहीं आएगी? और आज तक कोई बदल नहीं आई, और धीरे धीरे करके और विकृति बढ़ती चली जा रही है समाज के अंदर, बड़ी दुखदायी है ये बात। जी हाँ जी जी सब देखिए, ये तो टॉपिक पूरा हो जाए फिर मैं सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन इसका देता हूँ मैं, बीच में तरह से आ गई है तो, कश्मीर के नहीं पाकिस्तान के एक साहब, वो वहाँ के बहुत बड़ों में से हैं, उनके लाखों लोग मुरीद हैं, वो आए हुए थे सहारनपुर में ठहरे थे। अच्छा, सहारनपुर में हमारा भी उसी दिन कार्यक्रम था, और जिनके यहाँ ठहरे थे
वो खुद अच्छी हैसियत के आदमी जिनके यहाँ वो ठहरे थे, तो वही हमें, मैं ही उनके यहाँ, उनके ही मैं भी ठहरता हूँ। तो वह ब्रेकफास्ट नाश्ते के मेज पे हम साथ में थे, वो भी थे, वो हजरत भी थे, बड़े हैं वहाँ के बहुत, और परवेज मुशर्रफ साहब भी उनके मुरीद थे उस वक्त, वो परवेज मुशर्रफ साहब भी अध्यक्ष थे, सदर थे वहाँ के, वो भी उनके मुरीदों में से थे। तो अब नाश्ते पे तीन चार पांच लोगों को और बुला लिया था, बाकी को तो उन्हें आने नहीं दिया था। तो वो तीन चार पांच लोग उनसे बातें कर रहे थे कि भाई मुजाहिदीन क्या कर रहे हैं, वो कारनामे बता रहे थे मुजाहिदीन क्या कर रहे हैं, मतलब ये था कि मुजाहिदीन ये कश्मीर में, और वो अपने बता रहे थे कि मुजाहिदीन के कैसे कारनामे। मैं कुछ बोला नहीं, मैं चुप रहा। फिर नाश्ता खत्म होते होते मुझे अपने प्रोग्रामों से जाना था, उनके अपने होंगे, तो मैंने उनसे ये कहा कि आपसे थोड़ा सा समय मुझे अलग चाहिए एक घंटे का, जब आपका भी फ्री हो और हमारा भी फ्री हो कार्यक्रमों से। उन्होंने कहा जी हमारा समय निश्चित हो गया। साथ में उस वक्त हम बैठे और दूसरे ये था कि और लोग नहीं होंगे, तो उनसे मैंने पहला सवाल तो डायरेक्ट ये किया कि ये कश्मीर में जो कुछ हो रहा है ये इस्लाम की नज़र में या कुरान की नज़र में क्या ये जिहाद है? चुप रहे, उन्होंने कुछ कहा नहीं, खामोश रहे, बिल्कुल कुछ बोले नहीं। तो मैंने कहा अच्छा एक बात दूसरी बताइए कि क्या जिहाद किसी ग्रुप को, इस्लाम के स्कॉलर क्या कहते हैं, किसी ग्रुप को, किसी पार्टी को जिहाद डिक्लेयर करने की इजाजत है, या कहीं इस्लामी स्टेट हो तो वही करेगी जिहाद? ये इस्लामी स्टेट नहीं जो पार्टी बनी हुई, ये तो फिर इस्लामी स्टेट चीज ही कोई दूसरी है। तो कहीं अगर कोई इस्लामी स्टेट हो तो वो जिहाद डिक्लेयर कर सकती है या कोई ग्रुप भी कर सकता है जिहाद? पहले का तो जवाब नहीं दिया था, इसका उन्होंने खट से जवाब दिया, उन्होंने कहा नहीं कोई ग्रुप नहीं कर सकता, तो सिर्फ इस्लामी स्टेट डिक्लेयर करेगी। तो मैंने उनसे फिर तीसरा सवाल किया कि क्या पाकिस्तान इस्लामी स्टेट है? इसका खट से जवाब दिया वो, क्या नहीं? उन्होंने कहा नहीं बिल्कुल नहीं। तो फिर मैंने पहला सवाल दोहराया, मैंने कहा फिर ये बताइए कि ये कश्मीर में जो लोग कर रहे हैं ये जिहाद है? इसलिए कि इस्लामी स्टेट यहाँ है नहीं, किसने डिक्लेयर किया? तो ये कश्मीर में जो कुछ ये लोग कर रहे हैं ये क्या ये जिहाद है? अब फिर बोले कि नहीं जिहाद नहीं। और फिर उन्होंने कहा कि कुछ और बड़े बड़े नाम लिए वहाँ के, इस वक्त मैं नहीं दोहरा रहा, जो बड़े बड़े लोगों के नाम हैं और उसमें मुसलमान आलिम है, उन्होंने कहा वो भी अंदर अंदर ये समझते हैं जिहाद नहीं है, वो भी अंदर अंदर ही समझते हैं, लेकिन किसी की ये कहने की वहाँ हिम्मत नहीं है, कोई ये बोल नहीं। तो नहीं, उससे पहले मैंने उनसे सवाल नहीं किया, बिलावजह नीचे होते नहीं है। अच्छा नाश्ते की मेज पे तो वो खुद कह रहे थे, लोगों से मुजाहिदीन की बातें कर रहे थे और उनके कारनामे बता रहे थे, आप तो खुद कह रहे थे सुबह को। अब इस वक्त उन्होंने माना कि नहीं है, जब मैंने ये तीन चार सवाल ऐसे रखे तब उन्होंने तो नाश्ते की उसके ऊपर तो खुद माना उन्होंने, मतलब नाश्ते की मेज पे तो खुद बात कर रहे थे। मैं ये बातें तो अलग हुई कि भाई पाकिस्तान में हिम्मत नहीं है, चलिए नहीं होगी, लेकिन यहाँ तो यहाँ बैठे हुए लोगों से वो यही बात कर रहे थे। और जब मैंने उनके सामने बस चार सवाल इस तरतीब से रख दिए इस क्रम से, तो उन्होंने कहा नहीं, तो उन्होंने कहा नहीं जिहाद नहीं है। बाद में ये कहा उन्होंने, इनासत्ता हुई कि नहीं हुई? नहीं। अब दूसरों को हम क्या कहें? इसे आप मजबूरी नहीं कर सकते, इसे मजबूरी नहीं है, मजबूरी से सारा देश पर। मैं इस पे जल्दी से गुजर जाऊंगा, इस पे तेजी से गुजर जाऊं, जो मेरा खराब मजबूरियां हैं तो सारा देश बर्बाद। कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर फिर इसे चले आयत आयत नंबर 8 61-62 से लाइए, इसे बंद क्यों कर दिया बीच में? जी ये इन आयत इसका प्रोग्राम बना दिया खाली इन इससे रिलेटेड, और नीचे लाइए और नीचे लाइए, सूरह नंबर 8 आयत नंबर 61-62, और आप बंद मत कीजिएगा बीच में कुछ शुरू हो जाए, उसे सिर्फ मिनिमाइज कर दीजिएगा। नहीं जी जी अब दूसरे देश के अंदर जाकर बात यह है, अभी अभी भागने की तो इजाजत नहीं है। अगर किसी हमें को, मुझे कोई मार रहा हो तो मैं देश से भाग जाऊं, इसकी तो इजाजत नहीं है, ना कि लड़ने के लिए फौज चली जाए कोई यहाँ पर। अभी तो फिर अभी तो कुछ और भी चीजें हैं ना जी, लड़ते हैं और लड़ते हैं जिस जैसे जाते हैं और जैसे घुसाए जाते हैं वो जाते हैं, ऐसे खुलकर कोई जा सकने का, लेकिन कहना चाहिए प्रेशर डालना चाहिए। वो बातें फिर उसके अलावा भी दूसरी हैं जो कुछ सीरिया में हो रहा है।
जिसके अंदर वो जिहाद का क्या ताल्लुक अमेरिका से, अगर जिहाद की बात है, या अगर उसका क्या ताल्लुक रूस से, जिनकी जिनकी लड़ाई वहां हो रही, दूसरे और सारे देशों की जिनकी लड़ाई हो रही, उसे वक्ता हाँ हो रहा है जी, गए गए गए। तो फिर एक उसूल ये देता है कुरान सूरह नंबर 8 में, या आयत नंबर 61-62 के, प्राथमिकता देता है उन सिचुएशन में भी जिसमें जंग हो जाए, उसमें प्राथमिकता जो है वो सुलह को है और संधि को है। ये कहा कि अगर वो लोग जो हमला करने वाले हैं, अगर वो संधि के लिए की तरफ झुके तो तुम भी जरूर झुकना, मान लेना। और संधि की तरफ जो लोग खुद ज्यादती करने आए थे, जिन्होंने हमला किया था, वो संधि की बात तभी कर सकते हैं जब वो दब रहे होंगे, हार रहे होंगे। तो ये भी साथ में कह दिया कि अगर वो तुम्हें धोखा देने का उनका इरादा होगा तो अल्लाह पे छोड़ देना, वो तुम्हारी मदद करेगा, लेकिन संधि से पीछे मत हटना, शांति और सुलह से पीछे मत हटना, अगर उनकी तरफ से ऑफर आ रहा हो वो जो हमला करने के लिए आए थे। तो इस हद तक जब तक वो जंग कर रहे हैं तब तक तो तुम्हें आर पार की जंग करनी है, मैदान जंग में मारना, सब कुछ करना, लेकिन अगर वो संधि की बात करें तो रोक देना आगे की, इस पे कि फिर बात को धोखा देंगे, इसके ऊपर भी, इस खतरे पर भी। और ये जाहिर बात है वो दबरे होंगे तो अब तो फिर आर पार की जंगों के खत्म ही कर देंगे अब हम, लेकिन कहा नहीं, इसे रोक देना अगर, और उसके ऊपर तुम ईश्वर पे अपने विश्वास रखना। फिर ये एक उसके जंग किससे रिलेटेड जो बातें हैं, इस तरह की चीजें तो अभी यूनाइटेड नेशन के चार्टर तक के अंदर नहीं है। ये सूरह नंबर 9 और आयत नंबर 6 कि अगर कोई तुमसे, उनके दुश्मनों का कोई आदमी तुमसे पनाह मांगता हो, शरण में तुम्हारी आना चाहता हो, तो उसे शरण देना और उसको बताना, चूंकि जंग तो जो हो रही, युद्ध वो तो आइडियोलॉजी की वजह से हो रहा है, तो उसको पहले अपनी आइडियोलॉजी बताना कि इस्लाम क्या है, कुरान क्या है, उसे बताना। उसके बाद उसे मानने पर मजबूर तुम नहीं कर सकते, उस हालत में भी कि वो जंग का कैदी था, उसे मानने पर मजबूर नहीं कर सकते। ये कहा कि कुरान ने कहा सुम्मा अबलिगु मानहु, जिस जगह वो अपने आप को सेफ सुरक्षित महसूस करे पहले वहां पहुंचाना उसे, कि उस पर कोई दबाव नहीं बचा। वो दुश्मन में अपने आप को सेफ समझे तो वापस दुश्मनों में भेज दो, लेकिन पहले उसको ऐसी जगह पहुंचाना जहां तुम्हारा कोई प्रेशर और दबाव नहीं रहे। उसके बाद भी अगर वो लड़ने आता है तो फिर लड़ाई होगी, लेकिन पनाह अगर मांगी तो तुम उस वक्त भी उस पर आइडियोलॉजी अपनी बताओ, उस सिचुएशन में ही फोर्स नहीं कर सकते, और उसको जहां वो अपने आप को सेफ, पनाह दो, शरण दो, फिर वो जहां अपने आप को सेफ फील करे पहले वहां पहुंचाओ। फिर ये फिर उन्होंने पैगंबर, ये तो था कुरान का, कुरान में थी, फिर उन्होंने पैगंबर मोहम्मद साहब ने अपने कुछ जो है वो कोड ऑफ कंडक्ट दिए कि जंग के अंदर क्या क्या नहीं होगा। जंग में औरतों पर कोई हाथ नहीं उठाएगा, लेडीज पर, बच्चों पर, बूढ़ों पर और मजदूरों पर, उन पर हाथ नहीं उठेगा। तो बात यह है कि सवाल ये पैदा होता है कि औरतें वहां थी क्यों, युद्ध क्षेत्र में क्या कर रही थी वहां, भाई नर्सिंग कर रही होंगी, मरम पट्टी कर रही होंगी, इसलिए आई होंगी। तो अब वो इनडायरेक्ट दुश्मन की हेल्प कर रही है लेकिन वो लड़ नहीं रही है, तो उन पर हाथ नहीं उठाया जाएगा। वहां मजदूरों को नहीं मारा जाएगा, मजदूर क्या कर रहे होंगे, मजदूर तो हथियार लाए होंगे, हथियार ढो रहे होंगे, मजदूर हैं वो, हथियार ढो रहे हैं, ठीक है, अपनी रोजी के लिए ढो रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्ट जो दुश्मनों की मदद कर रहा है वो अपनी मजबूरी से कर रहा है, अपनी जरूरत से कर रहा है, उस पर हाथ नहीं उठेगा। जो डायरेक्ट तुमसे लड़ रहे हैं सिर्फ, और दूसरा कोई नहीं। कोई फलदार वृक्ष नहीं काटे जाएंगे, फलदार पेड़ दरख्त जो है वो नहीं काटे जाएंगे। ये नहीं कि यहाँ तबाही मचा दो, हम यहाँ से अगर हार भी गए या आगे आए भी तो फिर ये सब लोग जो है तबाह होंगे। कोई फसल नहीं उजाड़ी जाएगी और कहीं आग नहीं लगाई जाएगी। अब आजकल तो आगे तो पहले लगाई जाती है और उजाड़ा तो पहले जाता है। जी 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 बिल्कुल। फिर जो लोग अपने घरों में हो और जंग के लिए नहीं निकले हो तो उनको घरों से निकालकर उनसे किसी तरह का कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, उन्हें कोई ज्यादती उनके साथ नहीं होगी जो अपने घरों के अंदर थे, यानी कि बस्तियों के अंदर ये दुश्मन कौम के लोग थे, उनकी ज्यादतियां शुरू हो गई। आज तक हमेशा ऐसी हुआ है कि जो जिन्होंने दुनिया के अंदर के जिन्होंने जंग के अंदर विजय पाई तो उन्होंने जितनी ज्यादतियां कर सकते थे, खासतौर से महिलाओं के साथ तो बहुत ही ज्यादतियां होती थी, वो तो फिर उनकी गुलाम कौम हुआ करती थी। तो ये था कि किसी जो लोग अपने लड़ने के लिए नहीं निकले उनको घरों से निकालकर उनसे किसी तरह की वसूलूकी नहीं। और चौथा पॉइंट ये है कि उनके धार्मिक जो उनके मजहबी मकामात हैं उनको, धार्मिक स्थलों को नहीं तोड़ा जाएगा, नहीं तोड़ा जाएगा, ये खुला ऐलान था कि उसे नहीं तोड़ा जाएगा उनके धार्मिक स्थलों को। तो ये इतनी चीजें, ये कोड ऑफ कंडक्ट जो थे, ये पैगंबर सब लिखे हुए हैं, मौजूद है हदीस की किताबों में। पहले जो हुआ जब सब कुछ
इसके माने या तो लोग जानते नहीं इस्लाम के लिए, नहीं जानते, नहीं जानते, आवाम नहीं जानते। आपने एक बात कही थी वो मेरे दिल में चुभ गई, भाई इतने ज्ञानी ज्यादा हैं और इस्लाम के लोग कम हैं, ये बात आपने कही। और मैं इससे अलग एक बात, एक कुरान की आयत में सुनाऊं, ये तो तोड़ने की बात तो बहुत दूर की है। कुरान की एक दो आयतें सुनाता हूँ मैं, एक तो है सूरह नंबर 22 और आयत नंबर 40 में, उसमें कहा वलौला दफाउल्लाहि नासा बाज़ुम बिबादिन लहुद्दिमत सवाबियुन वबियुन वसलावातुन वमसाजिदु युज़्करु फीहा इस्मुल्लाह। अगर ये अल्लाह का या ईश्वर का की व्यवस्था है और निदाम है कि वो पावर को, सत्ता को रिप्लेस बदलता रहता है लोगों में, एक सत्ता बहुत लगातार नहीं चली आती, उसे बदल देता है, इसलिए कि जुल्म शुरू हो जाते हैं। अगर वो ऐसा नहीं करता तो आगे कहा है कि फिर यहाँ पर जमीन पर न तो मठ बचते, न गिरजे बचते पादरियों के, और न यहूदियों के सिनागॉग बचते, और न और इबादत करने वालों के कोई मठ बचते, न मस्जिदें बचती, जो आता वो दूसरों की तोड़ देता। एक बड़ी अजीब बात कही, इन सब का नाम देके आ गई, उस करो फी अस्मल्ला, इन सब में अल्लाह को याद किया जाता है। मंदिरों का नाम दिया, यहूदियों की इबादत गाह का नाम दिया, गिरजाओं का नाम दिया, कहा इन सब में अल्लाह को याद किया जाता है। और ये सब खत्म हो जाते अगर हम सत्ता को एक ही जगह कंसंट्रेट परमानेंट हो जाती तो। हम तो ये कहा कि हम तो ये सत्ता बदलते रहते हैं वरना ये सब खत्म हो जाएंगे, जिससे उसका नाम जान जान लिया जाता है, लोग एक दूसरे के तोड़ देंगे। और एक दूसरी आयत में सुना रहा हूँ, यानी ये मुझे नहीं मिली, अच्छी बात है सब धर्मग्रंथों में, लेकिन मुझे किसी दूसरे धर्मग्रंथ में ये नहीं मिली कि इन दूसरी जगहों पर भी अल्लाह का नाम लिया जाता है। और एक दूसरी बात जो कुरान ने कही, ये कहा कि वला तसबुल्लज़ीना यद्उना मिन दूनि अल्लाहि फयसबुल्लाहु अदवा बिग़ैर इल्म, दूसरों के जो देवी देवता हैं उन्हें तुम गलत समझते हो कि ये गलत है, ये देवी देवता कुछ नहीं है, इनके लिए कोई ऐसे शब्द मौजूद करना जो इंसल्टिंग है, जो अपमानजनक हो, ऐसे शब्द तुम्हारी जबान से नहीं निकलने चाहिए, इसलिए कि प्रतिक्रिया स्वरूप कारण दिया है, इसलिए कि प्रतिक्रिया स्वरूप वो एक ईश्वर को गाली देंगे, तुम उसे दो के देवताओं को, वो एक ईश्वर को और अपना पाप और बढ़ा लेंगे, प्रतिक्रिया पैदा हो जाएगी। कि कोई ऐसी काम नहीं हो जिससे प्रतिक्रिया पैदा हो, आप अच्छे तरीके से बताओ अपनी विचारधारा कि सही ये है बस, लेकिन वो ऐसे अंदाज में नहीं होगी कि दिल दुखे और उसके अंदर दूसरे के अंदर प्रतिक्रिया पैदा हो, रिएक्शन नहीं आना चाहिए। वो ऐसबुल्ला आदम बिगैल, रिएक्शन में प्रतिक्रिया में वो ईश्वर को, अपने एक ईश्वर को गालियां देने लगेंगे, तुम उन्हें गालियां दोगे। तो बात ये इस दर्जे तक जाके बातें कहीं किस कहां पे गुंजाइश हो रही जो इल्जाम रखे जाते हैं। ऐसा भी कहीं कोई आयत है इसमें जी, जो आई हो कि हम सब एक ही खुदा की, एक ही अल्लाह की संतान है, सब एक ही है, लेकिन धीरे धीरे करके अपने उनका नाम रखा पैगंबर मोहम्मद, उनका नाम रखा, उनका टाइटल रखा कुरान ने रहमतुल आलमीन, सबके लिए आलमीन, सबके लिए रहमत, सबके लिए रहमत, ये उनका नाम रखा, उनका टाइटल रखा। अब उनके साथ में जो चीजें मशहूर की जाती है वो भी सारी झूठी, वरना जो वाकयात हैं या घटनाएं, जंग की बात तो मैदान की तो अलग है, लेकिन फौरन रोकी जाती थी वो, उसकी घटनाएं हैं कि मस्जिद के अंदर एक ही मस्जिद थी जो खुद उन्होंने अपने खुद भी उसके अंदर ईंटें ढोई थी और उन्होंने बनाई थी, और दूसरे लोग शरीक हुए थे जो वहां मदीने में, तो उस मस्जिद के अंदर एक अच्छा मेहमान जितने आते थे दूसरे धर्मों के वो वहीं ठहरते थे, वो एक था जो उनमें क्या था, उन लोगों में क्या था, दुश्मनों में क्या था, आया था मेहमान बनकर आया था, तो मेहमान की सेवा करनी है था वहां पर, वहां वो मलमूत्र कर गया एक, और कर गया जानबूझ कर सताने के लिए कर गया थी, अंदर कुछ नफरतें थी और करके भाग गया तुम्हारा को। अब वो लोग आए सारे इकट्ठे हुए तो कुछ लोगों को गुस्सा आया कि हम पीछा करें, कर नहीं हमारा मेहमान था, तो उसे धोने के लिए चले तो लोगों, तो उन्होंने कहा नहीं मैं धोऊंगा, तो मैंने ठहराया था, तो दूसरे लोग तड़पते रहे कि हम साथ में, उन्होंने कहा नहीं मैं खुद धोऊंगा। वो अपनी कुछ कोई चीज भूल गया था वहां पर, बीच में उसे याद आया तो वापस आया, पहले तो उसने इधर उधर कोई है तो नहीं उसे झांकने के लिए, उसने दूर से देखा तो ये देखा कि वो धो रहे थे उसे, और दूसरे दोस्तों को हाथ नहीं लगाने दे रहे थे, खुद धो रहे थे। तो बात ये कि ऐसे दिल बदलते थे लोगों के, लेकिन ये तो उसके पीठ पीछे की बात थी, उसको दिखाने की बात भी नहीं थी। आज ये समझा जाता है कि मस्जिद में मुसलमान नॉन मुस्लिम नहीं जाते या नहीं जा सकते, एक जनरल बन गया हिसाब। 60 पादरियों का डेलीगेशन था, कैथोलिक पादरी थे वो, यमन से आए थे बात करने के लिए उनके प्रॉफिट मोहम्मद से, कोई होटल तो होते नहीं थे, छोटे छोटे थे, एक एक कमरे के घर होते थे, उनको जितने गेस्ट थे वो मस्जिद में ठहराते थे, तो मस्जिद में ठहरे वो। उनकी जब इबादत का टाइम हुआ मास का उनके, तो वो जरा सा बेचैन हुए कि हम क्या करें, तो
जो साथ के लोग थे उनके सत्संगी, उन्होंने कहा पैगंबर मस्जिद जाके कि वो लोग ये पूछ रहे हैं कि हम क्या करें, तो उन्होंने कहा भाई तुम उसी की तो करोगे ना, ये बात वही करो मस्जिद में, ये कर लो, तो खुदा का घर है तो तुम खुदा की तो करोगे ना, तो तुम करो वहीं पर। और उन्होंने ये हिस्ट्री है कि 60 पादरियों ने अपने तरीके से वहीं पर मस्जिद के अंदर इबादत की। नहीं, एक बात आज मशहूर है, गुरुद्वारे में कहीं चले जाइए है बिल्कुल नई जगह, यहाँ पर हमारा कोई वास्ता नहीं है और वहां हर तरीके की सेवा हमको मिलेगी। तब सिर्फ इतनी से नहीं, अभी तो ये हुआ है, नहीं पिछले दिनों तो ये हुआ है कि वो सैलाब आया था वहां पर और बारिश लगातार हो रही थी, खुली जगह थी, बहुत सी जगह है, 3-4 जगह थी बस रिमोट एरियाज के अंदर, उधर कश्मीर के इलाकों में कुछ और दूसरे इलाकों में, गुरुद्वारे वालों ने बुलाकर कहा कि नमाज अपनी ईद की नमाज यहाँ पढ़ लीजिए, ईद के दिन बारिश हो रही है, ईद की नमाज आप यहाँ पढ़िए, गुरुद्वारे में उन्होंने नमाजें कराई अपनी, ईद की नमाजें नहीं, अभी इसी साल हुई ईद की नमाज गुरुद्वारों के अंदर, 3 गुरुद्वारों में खुद देखी है। और मैंने जुमे की मैं नमाज पढ़ाता हूँ, मैंने खुतबे में बताया, सरमन में ये बताया कि देखिए इन 2 गुरुद्वारों के अंदर ईद की नमाज हुई, और उन्होंने खुद बुलाकर ऑफर की कि आप लोग नमाज यहाँ पढ़िए, बाहर बारिश है और उनके पास कोई छत नहीं थी यहाँ पहाड़ी इलाकों के अंदर, तो उन्होंने, तो फिर उस पर मैंने उनसे कहा कि तुम भी कभी इजाजत दे सकते हो, नहीं सकते हो उनको बुलाकर यहाँ जी। देखिए फर्क सिर्फ इतना है कि जिस चीज की नहीं होती कर सकते हैं, अगर उसी की कर रहे हैं, बात यह कि एक ईश्वर की करें, एक एक तो फिर कर सकते हैं। और आप तो इसकी मुझसे पूछ रहे कर सकते हैं, नहीं मेरी तो मैं अपनी बात बता रहा हूं यहाँ और बहुत से लोगों तक पहुंच रही है, हमारे प्लान्स में, हमारे अरमान में यही इसी रामपुर में एक मस्जिद ऐसी बनानी जिस पे लिखा हो कि मस्जिद अल्लाह का घर है, तो उसके सारे बंदे यहाँ आ सकते हैं और अपने तरीके से यहाँ आने, तो जिसमें आप भी जा सके, जिसमें आप भी हो, हर एक उस सबके लिए इसका दरवाजा खुला हो, खुला ही नहीं जाने का खाली नहीं, वो आने के बाद उसे अगर एक ईश्वर को याद करना है तो अपने तरीके से बैठ के उसका ध्यान कर सके, तो ऐसी मस्जिद भी एक बनानी है यहाँ पर। और भी आपके मार्फत जो फंक्शन होते हैं यहाँ भी हुआ है, ईदगाह में हुआ, हमने कराए 2 मस्जिदों में, ईदगाह में कराया जब आप नहीं थे, तो ईदगाह में हमने कराया, एक मिल का वहां पे कराया, मस्जिदों के अंदर कराए, वो पहला था, वो पहला था आजाद भारत के इतिहास में, पहला मौका था कि मस्जिद में मंच से, फिर सब धर्म के लोगों ने अपनी अपनी उसमें जैन मस्जिद के मंच से सब लोगों ने अपनी अपनी बातें कही और आए मुखालफत में आए बात को, अगले दिन बहुत से कचहरी वाली मस्जिद में किया था, तो फिर अगले दिन बहुत से वकील आए मेरे पास, पूरा डेलीगेशन आया कि ये आपने किया क्या था, तो फिर मैंने उनको वो पादरियों वाला किस्सा बताया, मैंने कहा आप लोगों को इस्लाम का ज्ञान है, वो 60 पादरियों ने वहां पे आने के बाद, और उन्होंने उनको वहां सिर्फ ठहराया नहीं था बल्कि उनसे कहा था, यहाँ तो उन्होंने सिर्फ बातें की थी, वहां उन्होंने उनकी इबादत करने को इजाजत दी थी पैगंबर मोहम्मद साहब ने, अब इसको इसे देख लीजिए, तो उनको यकीन नहीं आया, फिर मैंने दिखाया, उन्हें रेफरेंस दिखाया, फिर मैं कहा मौलाना आजाद ने किताब लिखी इस पर, ये देखिए, तो उसके बाद चले गए, लोगों को मालूम नहीं। सब बात यह है, देखिए डरते हैं, वो बात सही है, मैं तो हर जगह पर बात सिर्फ इसी की कह रहा हूँ कि गलती मुसलमानों की है, मैं मुसलमान होते हुए इसे मानता हूँ और मैं कहता हूँ ठीक होनी चाहिए, ये तो रही एक बात, ये बिल्कुल दूसरी बात है कि मुसलमानों की शक्ल देख के नफरत करते हैं। अब हमारे वॉलंटियर्स की अभी पिटाई हुई इंदौर में, और हमारे लोग जो बात करने गए शराब मत पियो ये मत करो इसकी बात कर रहे थे, और उसमें उन्होंने खास तौर से लोग आए कुछ सुनना नहीं चाहते, हम नहीं सुनना चाहते, कुछ नहीं सुनना चाहते, और मारना शुरू किया, और जिनकी दाढ़ी ज्यादा थी उनको ज्यादा मारा, जिनकी दाढ़ी लंबी थी उन्हें ज्यादा मारा, और कोई बात नहीं कि बात तो सुन लो, इनसे पूछ लो हम लोग बात क्या कर रहे थे, जो लोग यहाँ बैठे हैं यहाँ गाँव के, इनसे पूछो हम बात क्या कर रहे थे, हम क्या धर्म परिवर्तन करवा रहे थे, लेकिन उनका नहीं, मुसलमान आए यहाँ आए कैसे, हिम्मत कैसे हुई, और फिर जिसकी दाढ़ी ज्यादा है उसे बहुत मारा, वो अभी हॉस्पिटल में, वो इस वक्त भी हॉस्पिटल में, तो बात यह कि ये सब जगह है, ऐसा संदेश क्यों नहीं, लेकिन ये तो आपने पूछा तो मैंने कह दिया, हम नहीं कहते कहीं इससे नफरत बढ़ेगी, हम तो ये कहते हैं कि अपनी गलतियां ठीक करो, इसीलिए तो पूछ रहा हूं मैं, कहना जरूरी है, तो कहते हैं हम अपनी गलतियां ठीक करें, आप किसी धर्म में जाइए, बाइबल को देखिए, बाइबल को देखिए, बाइबल के बारे में काफी चर्चा हमारी यहाँ होगी, और गोरिल्ला वारफेयर के बारे में, गोरिल्ला वारफेयर की बात सुन ले, गोरिल्ला जंग की, इसके बारे में कुरान क्या कहता है, कहते हैं कि कुरान की आयत है सूरह नंबर 8 आयत नंबर 58, हिंदी में रह गया, इसमें ट्रांसलेशन मैं कर बोल देता हूँ, हिंदी में रह गया कि अगर किसी कौम के साथ में तुम्हें ये अंदेशा हो कि वो एग्रीमेंट वो तोड़ देंगे, अभी डर है, वो पूरी इंफॉर्मेशन है, ऐलान नहीं किया उन्होंने, इंफॉर्मेशन है पूरी कि ये तोड़ने जा रहे हैं, फिर तो उससे पहले, फिर जब पक्के यकीन हो तो तुम उससे पहले तोड़ सकते हो, लेकिन उनको पहले बताओगे, ऐलान करोगे, अचानक हमला किसी पर नहीं कर सकते, और फिर कहा कि बराबरी अला सवा, ये रेड कलर से है इसके अंदर, बराबरी के आधार के ऊपर होना चाहिए,
और कि उनको फिर 4 महीने का समय देना होगा कि हमने खत्म कर दिया है, अगर जंग होगी कोई बात होगी तो कम से कम 4 महीने के बीच में। ऐसा नहीं कि तुमने कहा हमने एग्रीमेंट तोड़ दिया, कल हमने हमला कर दिया, वो तैयार नहीं होंगे वो उसके लिए, तो इस तरह की बात जो है किसी जगह पर नहीं होगी। तो अब ये गोरिल्ला वारफेयर में तो होता ही कि अचानक करो, ये उसके अंदर एलिमेंट ऑफ सरप्राइज हो, इन्हें पता ही नहीं हो कहीं से एकदम से आ गए। कहा कि नहीं, बगैर अगर वार जरूरी भी जिन कंडीशंस के अंदर है वहां ऐलान के बगैर नहीं होगी, और ऐलान भी ऐसा नहीं होगा कि हम पहुंच गए बॉर्डर पे, हमने ऐलान किया और हमला कर दिया। मार्जिन दोगे, वार्निंग दोगे, 4 महीने मिनिमम 4 महीने की वार्निंग होगी। तो देखिए राजनीति में भी ये कहा जाता है, वैसे भी अच्छे लोग जब आगे नहीं आते समाज में ना, तो फिर उसका यही परिणाम होता है जो आज है। ये देखिए अच्छे लोग, जैसे आपने कहा अब लोग आते नहीं, इकट्ठे अच्छे लोग इकट्ठे ही नहीं होते, अच्छे लोग कुछ करते ही नहीं, कैसे हो? इसमें एक बात मैं सिर्फ ये रखना चाहता हूँ, तो सिर्फ एक उदाहरण में गीता का रखा है मैंने, जहां एतराज होता है इस बात के ऊपर या जंग के ऊपर या संग्राम के ऊपर, और वो संग्राम किन परिस्थितियों के अंदर, इसे भी देखिए ना, परिस्थितियां नहीं पूछ रहे। तो फिर श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन से, ये सिर्फ मैंने एक लिया श्लोक, वरना तो पूरा उनका जो संवाद है उसके अंदर कृष्ण वहां पर, या तो युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा, हतो वा प्राप्यसी स्वर्गम जितवा वा भोक्ष्यसे महिम, जीतेगा तो महिमा भोगेगा, वाह वाह होगी कि जीतेगा तो युद्ध के लिए, इसलिए तू हे अर्जुन युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। उन्होंने कहा कि सामने तो हमारे, हम कैसे हम अपने अधिकार छोड़ देंगे, हमारे सामने तो भाई हैं, हमारे चचेरे हैं, हमारे दादे हैं, हमारे उस्ताद हैं और गुरु हैं और कौन कौन है, तो हम इनसे तो हम हमारा हाथ नहीं उठेगा। तो श्री कृष्ण ने कहा इस वक्त अगर तुम नहीं लड़े तो ये अधर्म हो जाएगा, और लड़ना इस समय तुम्हारा धर्म है। ये क्यों कह रहे हैं श्री कृष्ण? पहले कुछ परिस्थितियां होंगी ना, अब उस परिस्थितियों से काट दिया जाए, मैं कहूँ गीता तो ये संदेश देती है, और वो तो, और किसको दे रहे हैं? वो जो बचना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं नहीं हम नहीं जंग करना चाहते, अधिकार छोड़ देंगे हम अपने। उन्होंने कहा नहीं, अधर्म हो जाएगा इस समय नहीं लड़ोगे तो बात यह कि किस बात पर हम, कोई परिप्रेक्ष्य होगा ना इसका, कोई इसका कोई पसमंदर होगा, कोई पृष्ठभूमि, कोई पृष्ठभूमि होगी, किसी पृष्ठभूमि होगी इसकी, जो जो बातें वहां हो रही है उस समय। अब बिना उस पृष्ठभूमि के हम इसको, मैं इसे निकाल कर रखूं कि गीता तो ये संदेश देती है, और फिर ऐसे वेद के मंत्र हैं, तो बहरहाल उस समय की परिस्थितियों के अंदर होंगे, उसके अंदर मैं उसे नहीं रखना चाह रहा यहाँ पर। अब मैं हवाले आपके हैं तो दे सकता हूँ, अथर्वेद के अंदर 12:5-62 से लेकर 67 तक, 12वां कांड 5वां सूक्त और मंत्र नंबर 62 से लेकर 67 तक, इसलिए कि बहुत ज्यादा उसके अंदर है, जरा सीरियस बातें। गैर मुसलमानों पर रॉड डालो, उनके सर काट डालो, काफिरों पर हमेशा रॉड डालते रहो, और मौका मिलते ही सर काटो। सूरह अनफाल 8वां सूरह है, मतलब उसको इस तरह की दिखा रहे हैं। इसी 8वीं सूरत की तो मैंने बात की थी, देखिए बात ये ना कि बात तो इन चल रही, वहां पर प्रसंग पूरा जंग का चल रहा है, युद्ध का जो क्षेत्र का चल रहा है। अभी पहले मैं दिखाता हूँ जैसे इन्होंने किया, ये सब झूठ है, ये शब्द भी झूठे हैं, जंग की बात कही गई, लेकिन बच्चा है। लेकिन वो 8वीं तो सूरत है जिसकी मैंने ये दी थी कि अगर उनकी तरफ से संधि का, अगर वो हार भी रहे हो, संधि का संदेश आए तो संधि मान लेना, जंग नहीं करना। ये उसी में आगे जाके कहा, मैं निकाल रहा हूँ, इसलिए कॉन्सेप्ट होता चला रहा है। मैं वो सूरत निकाल रहा हूँ जो आपने दी, इसमें कई हैं ऐसे लिखा, गैर मुसलमानों को भात लगाकर धोखे से मार डालना, धोखे से मार डालना, बस शब्द कहीं नहीं आया भाई, मैदान जंग के अंदर तो मारने की बात, एम्बुश बना, नंबर नहीं होता। 8वीं सूरत की नंबर कौन सा है? 112 सूरह अनफाल। जी जी अनफाल तो है, मुझे मालूम है, 112। हम लोग इतनी फुर्सत नहीं कि हम पूरा उसका पीछे का भी देखें, यही बात, बच्चा पढ़ेगा, उन्हें पूरा एक आर्टिकल पढ़ा, 8वीं देखिए, इधर देख लीजिए, आप इसे देख लें, आप ये शुरू है 8वीं सूरत की, 8वीं सूरत है अल्फाल, और ये ट्रांसलेशन चल रहा है, आयत नंबर 1, 2, 3, ये ट्रांसलेशन है, 3 है। अब मैं आखिरी आयत निकाल रहा हूं,
लास्ट 75 तो आए थे, 112 ही नहीं थे, 75 तो इस सूरत में आए थे, 112 एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। अब इसे कौन चेक कर रहा है, क्या करे? अब आप तो जानकार हैं, हम लोग क्या जाने? नहीं, मैं तो यही दिखा दी ना, मेरे पढ़ लिया है, पता है, मैं जानता हूँ। यहाँ कोई क्या चाहिए? सूरह नंबर 8 आयत नंबर 112 में ये लिखा हुआ है, वो सुना दिया उन्होंने। सूरह नंबर 8 में 75 आए थे, 112 इंटरनेट पे बहुत बड़ी लॉबी है जो अपने हिसाब से सूचनाओं को तोड़ मरोड़ के पेश कर रही है। और अब लोगों के दिलों में नफरत पैदा होगी, क्यों नहीं होगी? उनका ये मिल रहे हैं दाढ़ी वाले, मारो इन्हें। ये लोग नफरत पैदा कर रहे हैं, ये दाढ़ी वाले नजर आ रहे, इन्हें मारो। अब ये जो चारों तरफ फैल रही है, देखिए सूरह किसी जगह देख लीजिए, तो सूरह नंबर 8 एक बहुत बड़ी लॉबी है पूरे देश का, इस समय बिल्कुल माइंड, नई पीढ़ी का माइंड बिल्कुल। ये सूरह नंबर 8 है, ये सूरह अनफाल। और नए बच्चे किताब नहीं पढ़ते हैं, ये समझ लीजिए आप, इसमें उर्दू में है ना सारा। नई पीढ़ी किताब मैं चारों इंग्लिश का लाइए ना, ट्रांसलेशन आती है, गूगल खोलती है, जो मतलब किसी ने शब्द डाला और जो निकल गया वो पढ़ लिया उन्होंने, वो इसके लिए अल्लाह का हुक्म है। आयत नंबर है ये 75, ये लास्ट है, उसके बाद नेक्स्ट सूरह शुरू होगी, सूरह 9 शुरू होगी। इसके अंदर 75 को चलाते हैं, ये नंबर उसे लोग पढ़ लेते हैं यहाँ पर, उसे चेक क्यों नहीं करते हर जगह? अच्छा, कोई जगह ऐसे नहीं जहाँ आसानी से कुरान का वहां की भाषा में अनुवाद अवेलेबल नहीं हो आसपास किसी के पास? ये तो हो क्रिया, अब उसकी जो प्रतिक्रिया आई है वो उससे ज्यादा खतरनाक है। उनमें छाड़ गीता निकाल दी कि तुम्हारी गीता में लिखा हुआ है, पढ़ो इसे। तो ऐसे युद्ध तो इस समय हर समय चल रहा है, जिहाद बहुत बड़ा चल रहा है समय नेट पर एक दूसरे के खिलाफ, सोशल साइटों पे और व्हाट्सएप पे और इन सब चीजों पे, इंस्टाग्राम पे आप देखो कैसे युद्ध चल रहा है। इससे पहले मैं कुछ उस पर और रखूंगा, अगली बार रखूंगा, लेकिन इस विषय के ऊपर अब एक सवाल तो ये आ गया, इस विषय के ऊपर कोई सवाल हो या पहले कहीं आए हो तो मेरे पास सवाल है बहुत बड़ा कि हो गया, देख लिया अपने उनके घर भी है वहां देख लेंगे, तो नंबर और ला रहे थे दिखाने को, मैंने कहा उनके घर पे भी है वो उसमें देख लेंगे, तो अनुवाद उनके घर पर है वहां चेक कर लेंगे। वो आपके कुरान के बजाय वो आपने पता नहीं कौन सा रख लिया अपने पास, तो जो उनके पास है उसमें देखे ना कि ये तो मैंने यहाँ रख लिया उसमें से दिखा रहा हूँ। जी मैं इस पे कोई प्रश्न इसके ऊपर कुछ होता जी कहनी है साहब, इसके बाद बहुत बड़ा विषय है जो इसके बाद मैं एक बार और लूंगा इस्लाम को, उसके बाद फिर हम क्रिश्चियनिटी को लेंगे, फिर जैनिज्म को लेंगे। क्या लिखा है, सारे जिहादी मुस्लिम ही क्यों, किसी और धर्म में जिहाद के नाम पर क्यों नहीं लड़ते, क्या उनके धर्म में सही और गलत की लड़ाई नहीं? अभी तो दिखाया ना, उसे देवासुर संग्राम भी कहते हैं, गीता में श्री कृष्ण ने कहा कि लड़े, वेद के मैंने दिए नहीं, जरा ज्यादा उसके अंदर ऐसी चीजें हैं तो मैंने दिए नहीं, तो कहा नहीं है सब जगह लड़ाई में सिवाय जैन धर्म के, सब जगह है जिहादियों की लड़ाई में, लेकिन फिर उसमें यह भी है कि फिर उसमें भी नहीं भेजते, आर्मी में नहीं भेजते, इंडियन आर्मी में जब अच्छा जब आएगा तब सवाल करेंगे। इन जिहादियों की लड़ाई में जो गुना बेगुनाह मारे जाते हैं उनका गुनहगार कौन है? अब ये तो सवाल का जवाब खुद ही मालूम है, उनका गुनहगार कौन है जो बेगुनाह मारे जाते हैं, लेकिन बात यह है कि ये तो सब जगह है, लेकिन हक के लिए, सत के लिए, ये जो सवाल आ रहा है ना, हक या सत के लिए, ये सवाल जो आ रहा है वो होमवर्क करे बगैर आते हैं, ऐसे सवाल बिना होमवर्क हो सत के लिए हो, हक के लिए हो, अगर हो तो सब जगह पर है इसके लिए, तो फिर कुछ सिचुएशन रहती होती है जहां पर ये घर में बुजदिली के बैठ जाना बुजदिली होती है, कुछ सिचुएशन ऐसी होती है तो कायरता में और अहिंसा में फर्क है, उसमें फर्क है अहिंसा और कायरता में। तो फिर अगला मैं इसमें एक चीज बस और रखना चाहूंगा, और फिर दिखाएंगे आपको आयतें उसके अंदर के कुरान में से आयतें निकाल के कि इनसे नॉन मुस्लिम से दोस्ती मत करना। कुरान ने कहीं पर कुछ चीजें जहां एक्सप्लेन कर दी विस्तार के साथ है, दूसरी जगह उसे मुख्तसर कह दिया, ऐसे लोगों से मत करना दोस्ती जिन्होंने तुम्हें से तुम्हारे धर्म की वजह से जंग की और घरों से निकाला और उनको अपने साथ मतलब उनको अपने दोस्त मत बनाना। और बाकी साथ में इन शब्दों के साथ में कि अल्लाह तुम्हें सूरह नंबर 60 और आयत नंबर 8 और 9 जहां मैं बता रहा हूँ रेफरेंस अभी,
और तुम्हें उन लोगों से दोस्ती करने से, उनसे अच्छा सलूक करने से, उनसे इंसाफ करने से और दोस्ती करने से तुम्हें नहीं रोक रहा है, जिन्होंने तुमसे तुम्हारे ऊपर हमले नहीं किए, तुम्हें तुम्हारे घरों से निकाला नहीं, तुम्हारे साथ धर्म की वजह से जंग नहीं की, उनसे तुम्हें दोस्ती करने से नहीं मना किया जा रहा। ये साफ शब्दों में कहा। तो आज तुम्हें इतने ही रख रहा था, वो अगली बार फिर कुर्बानी पर आपका सवाल था, लेकिन उससे पहले मैं जनरल रखूंगा जो कुछ मांसाहार के बारे में। जाहिद और असल में मुजाहिद, हर बुरा काम एक सवाल आ गया। मैं आपका पहले जाहिद और मुजाहिद, ये पहली बात तो ये कि एक जाहिद एक जाहिद, हाँ वो आपको सुनने में एक जैसे लग रहे हैं। जाहिद कहते हैं बहुत ज्यादा तपस्या तपस्वी को, और मुजाहिद कहते हैं जो लगातार कोशिश करता हो। तपस्वी तो किसी एक जगह बैठकर करता है, और मुजाहिद वो जो असल में मुजाहिद लड़ाई के लिए नहीं बल्कि निकलकर भलाई के लिए लगातार कोशिश करने वाला, जिहाद करने वाला, वो मुजाहिद। और जाहिद जो है वो उसे कहते हैं जो बहुत तपस्वी। वो है ना शेर है, जाहिद शराब पीने ले मस्जिद में बैठकर, तो या वो जगह बता के जहां पर, तो जाहिद ही वो बड़े तपस्वी वो मना कर रहे हैं। तो इन्होंने सवाल किया हर बुरा काम मुसलमानों पर क्यों लाद दिया जाता है। भाई ये नफरतें हैं उनके दिल, जिनके दिलों में नफरत है वो मुसलमानों पे लाद देते हैं, मुसलमानों के जिनके दिलों में नफरत होती है वो अपनी महफिलों में बैठकर फिर वो उंगलियां उठाते हैं, दूसरों के ऊपर उठाते हैं। तो बात ये है कि असल बात सवाल ये नहीं करने का, फसाहत अली खां है एक मुसलमान, उन्होंने ये सवाल किया है, तो मैं उनसे कहना चाह रहा हूँ फसाहत अली खां से जिन्होंने सवाल किया है कि प्रतिक्रिया मत देखिए, आप इसे देखिए कि सचमुच कमियां अपने यहाँ हैं कि नहीं, इसको देखिए, इसे प्रतिक्रिया को मत देखिए कोई लाद देते हैं, इसे मत देखिए कि वहां भी बुरे। बात तो यह है कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैसेज दे रहा हूँ फसाहत अली खां साहब को कि अपनी कमियों को दूर कीजिए, इसे देखिए अपने यहाँ कमियां या नहीं है। तो पहले पहले हम इसे दूर करें, उसके बाद हम ये देखेंगे कि भाई दूसरों के ऊपर उंगली क्यों कोई क्यों नहीं उठ रही या नहीं उठ रही, ये उसके बाद की बात है। हम तो पहले अपने आप को ठीक करें। अब मैं तो अपने जब मुझसे कोई फसाहत अली खां सवाल करेंगे तो उनसे तो मैं यही कहूंगा पहले तुम इसे ठीक करो, मेरा अपना घर ठीक करो और उसके बाद देखो कि कौन कौन तुमसे नफरत करता है। मेरा कहना यह है कि जो धर्म की स्तंभ है और धर्म के ठेकेदार बनते हैं उन्होंने सबसे ज्यादा नफरत से समाज में पैदा किया। आप लोगों के बच्चे जो है छोटी उम्र के बच्चे 7वीं 8वीं में पढ़ने वाले वो सब चीज देखते हैं, तो उनके ऊपर क्या इस चीज का प्रभाव पड़ता है, क्या पड़ता है मैं बताऊं? इस्लाम को अच्छा समझते हैं बुरा समझते हैं? नहीं वो तो फिर मतलब वही, हिंदू का बच्चा ही वही पढ़ रहा है, हिंदू का बच्चा वही पढ़ रहा है, मुसलमान का भी और नॉन मुसलमान का भी वही चीज देख रहा है। देखिए हमारे घर से चीजें मिलती है बच्चों को। मैं छोटी छोटी सी मिसालें दूं आपको। सिक्स क्लास में मेरी लड़की आई, जब आई सिक्स क्लास में, पुरानी बात हो गई अब तो उसके अपने बच्चे हैं, तो जब वो सिक्स क्लास में आई तो वहां पर ये स्कूल था उसके अंदर थी, वहां चॉइस थी सिक्स क्लास में उर्दू और संस्कृत लेनी थी, ये नई लैंग्वेजेज आई थी सिक्स से, पांचवी तक नहीं थी उसमें थी। कि तो बहुत सालों से ये एक ट्रेडिशन चली आ रही थी कि सब मुसलमान उर्दू लेते थे और सब हिंदू संस्कृत लेते थे, कभी किसी हिंदू ने उर्दू नहीं ली और किसी मुसलमान ने कभी संस्कृत नहीं ली। उसने कहा, उसने वहां पर फॉर्म लिया और फॉर्म में संस्कृत भरा और दे दिया, संस्कृत ऑप्ट किया पहली बार, ऐसे पहले कभी नहीं हुआ था, मुझसे पूछने नहीं आई कि कल भरेंगे वो वहां पर। तो उसकी कुछ फ्रेंड्स खड़ी थी हिंदू, नहीं पहले मुसलमान फ्रेंड्स ने पूछा कि तुम सबक तुम मुसलमान हो के संस्कृत पढ़ोगे? तो अब बात ये कि ये तो मैं नहीं कुछ कर रहा हूँ ना, लेकिन ये संस्कार मिलते हैं। तो उसने वहीं पर जवाब दिया, आकर बताया था कि हमने उससे क्या भाषाएं दबाने भी क्या हिंदू मुसलमान होती है। तो इस पर फौरन ये हुआ कि तीन हिंदू लड़कियों ने अपने फॉर्म वापस मांगे और उसे काट के उसमें उर्दू लिखा, मतलब ये उसका असर ये पड़ा। एक खाली एक रिप्लाई का, एक जवाब का, कि उन्होंने कहा कि हम हमारी संस्था में तो बाकायदा संस्कृत पढ़ाई है, स्कूल में बाकायदा क्लास लगे हैं और फिर उसकी वो हुआ है। जसजीत साहब हैं, जब किसी मसले को खत्म करने की बातचीत के सारे रास्ते बंद हो जाएं, तब शस्त्र उठाना जायज है? नहीं, मुझे नहीं मालूम जायज है या नहीं है, मैं कॉमन सेंस की बात नहीं कर रहा, मैं इस्लाम की बात बता सकता हूँ। तीन कंडीशन में जायज है, बातचीत खत्म हो जाने पे शस्त्र नहीं उठा सकते। किसी ने हमला किया हो तब, कहीं लार्ज स्केल, ऐसा नहीं इक्का दुक्का किसी ने किसी को मारा, कहीं लार्ज स्केल किसी कौम पे लगातार जुल्म होता चला जा रहा हो तब, या आपस में कौमों में, ये दो इंसानों में नहीं, कहीं अगर एग्रीमेंट है और संधि है और संधि दूसरी तरफ से तोड़ी गई है, उस वक्त ये नहीं है कि हमला कर दो। उस वक्त अगर जरूरत जंग की हो तो जंग भी की जा सकती है। इसके अलावा किसी मौके ऊपर किसी तरह की जंग की या हथियार उठाने की इजाजत इस्लाम नहीं देता। तो मैं तो इस्लाम के नुक्ते नजर से मैं जवाब दे रहा हूँ,
किसी मसले को खत्म करने की बातचीत के सारे रास्ते बंद हो जाए तो शस्त्र उठाना सारे रास्ते बंद हो गए बाबरी मस्जिद के मान लीजिए और राम जन्मभूमि के तो अब हथियार उठा लो सब मिलके कोर्ट का फैसला आ जाता है कि हाँ राम मंदिर बनेगा तो संविधान के दायरे के अंदर माना जाएगा इस्लाम को पहले रखा जाएगा। अब हमसे क्या जवाब दे रहे हैं, हम तो जवाब अपना 1984 में दे चुके हैं, 1984 में हमने खुलकर लिखा था, बड़ा लेख लिखा था उसके ऊपर। इसके बाद हमारे फिर इंटरनेट के ऊपर हमारे अब करीब के दौर के बहुत स्टेटमेंट है इस इशू के ऊपर कि खुदा का घर खुदा खुद बनाने थोड़ी आता है, मुझे खुदा के घर के हम बनाते, ईंट पत्थर की दीवारें होती हैं, ईंट पत्थर की दीवारों में खुदा नहीं रहता। हम उसे खुदा का घर इसलिए कहते हैं कि वहां बैठकर उसे याद करते हैं, कहीं और बना लो खुदा का घर, कहीं और बना लो वहां बैठ के याद कर लेना। तो आज का तो हम इतना ही रख रहे हैं, लेकिन हाँ अगली बार फिर अभी एक बार और मैं लूंगा कुछ उपालन, अरे दो तीन और रहेंगे और मैं इसकी इसके बाद मैं इसकी खुली इजाजत है या छूट देना चाहूंगा कि जो बातें इस्लाम के विषय में मैंने नहीं कहीं आपके अगर कहीं कान में पड़ी हो तो उन पर भी आप सवाल कर सकते हैं, ये नहीं है कि जो कुछ मैंने कहा उसी पे से चले। और मैं जवाब आपको उससे दूंगा, रेफरेंस से दूंगा, ये नहीं कि भाई मेरी राय ये। अब मैं अपना एक नया धर्म गढ़ लूं, कह दूं कि इस्लाम बड़ा अच्छा है, मैंने गढ़ लिया वो मेरा वर्जन, मैं तो आपको सिर्फ और स्पष्ट वो शब्द वही कह रहे हैं या नहीं कह रहे हैं जो कुछ मैंने कहा। आज के परिवेश में सबसे ज्यादा जो मुख्य मुद्दा है वो आतंकवाद का है, जिसकी वजह से लोग उंगली उठाते हैं या कोई बात करते हैं, मेरा कहना ही है। उसके लिए आपने बहुत काफी खुलासा उसमें किया है, अब आप सब जो बता रहे हो उसके हिसाब से कहीं से कहीं आतंकवाद फैलना नहीं चाहिए, कोई गुंजाइश नहीं, कोई दूर 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 तक नहीं, लेकिन बहुत घृणात्मक बहुत बुरा जुर्म है इंसानियत के खिलाफ के जहाँ किसी बेकसूर को मारा जाए। यहाँ तो ये कह रहे हैं कि जो जंग युद्ध क्षेत्र के अंदर जो उसकी हेल्प कर रहे हो दुश्मन की इनडायरेक्ट कर रहे हैं उनको नहीं मारा जा सकता, जो डायरेक्ट लड़ने आए उनके अलावा किसी दूसरे पर हाथ नहीं उठाया जा सकता। फिर उसके बीच में आतंकवाद नहीं तो तबाह आग लगा दो, दुकान जला दो, घर जला दो, लोगों को लड़कियां घर से निकाल लाओ, कहते कि किसी उस घर के अंदर घुसने की इजाजत नहीं, जिस घर के लोग बाहर नहीं निकले, मतलब इस्लाम की आड़ ली जा रही है। अब ये नक्सलवादी है समझे, एलटीटी वाले हैं, इस्लामी आतंकवादी भी होते हैं, ऐसा नहीं है नहीं होते, लेकिन उनके जो पीछे कॉन्सेप्ट होता है, जो उसके पीछे उनका जोर होता है, वो धर्म कभी नहीं होता। नक्सलवादी क्या जी, मैं खुद ये कह रहा हूँ, देखिए आतंकवाद तो नक्सलिज्म की आतंकवाद है, ठीक है, अधिकारों के लिए है, उनका हनन हुआ, वो सब अपनी वजह जो भी हो, कारण जो भी हो, इस वक्त जो कुछ है वो आतंकवाद है, धर्म नहीं। बात ये देखिए, खालिस्तान का जो जो की जो तहरीक थी वो भी आतंकवाद था, जब वहां पर लोगों को उन्होंने मारा था कि ऐसे राज थोड़ी करेगा खालसा, खालसा तो दिलों खालसा ने तो दिलों पर राज किया था, अब ऐसे थोड़ी करेगा, वो जो तरीका उन्होंने निकाला उस तरीके में कहीं गलती है, जो वहां पर जब जिन्होंने निकाला तो उन्होंने वो उन्होंने यहाँ बेगुनाहों को बहुत मारा है, बहुत मारा है। तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा कि जिन्होंने उनके साथ ज्यादतियां की उनसे लड़े उन्होंने मारे, लेकिन ये बेगुनाह उन्हें भी बहुत मारा। फिर जो लोग वहां पर श्रीलंका के अंदर जो लिट्टे थे वो लोग क्या थे, तमिल तमिलियन, तो वो हिंदू नहीं है, तो फिर वो आतंकवादी, दुनिया के सबसे सड़े हुए बुरे आतंकवादी तो वो थे, वो हिंदू थे, तो ये उंगलियां नहीं उठती कि हिंदू भी आतंकवादी रह चुका है, और यहाँ पर उसके अंदर ईस्ट के अंदर और ये नागा और मिजो उसके अंदर वहां क्रिश्चियन आतंकवादी नहीं है, अभी म्यांमार तो जी, और म्यांमार के अंदर तो उन मुसलमानों का तो कोई भी कसूर नहीं है, वहां बौद्ध है आतंकवादी, उन मुसलमानों का वो तो कोई आतंकवाद भी नहीं मचा रहे हो, कुछ भी नहीं कह रहे जिनको मारा जा रहा है, बौद्ध धर्म शांति का, जिनको मारा जा रहा है वो बौद्ध धर्म कहते हैं कि अहिंसा का धर्म है, तो वो बौद्ध धर्म वाले जो है वहां पर हर तरह की रेप भी कर रहे हैं, जला भी रहे हैं, मार भी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो बात ये कि आतंकवादी तो सब जगह है, यहाँ सब जगह है, उंगली कुछ इस वक्त मुसलमानों पर ज्यादा उठी हुई है। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि मैं मुसलमानों से सिर्फ कहना चाहता हूँ, तो बात आई तो मैंने कह दिया, वरना मैं तो सिर्फ इनसे ही कहना चाहता हूँ मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव होते हुए कि तुम अपना घर तो ठीक कर लो, उसके बाद फिर कहीं पर किसी पर उंगली उठाओ बात को, दूसरों को बात को कहना अपना ठीक करो। इस्लाम बहुत ऊंचा पेड़ है ना, इसलिए पत्थर ज्यादा पड़ते हैं, अपना अपना घर पहले ठीक करो, फिर देखो कि कितने लोग तुमसे नफरत करते, मुझसे क्यों नहीं करते, मतलब मैं जाता हूं तो मुझसे क्यों नहीं करते, मैं भी मुसलमान हूं, तो बात ये कि फिर तुमसे भी नहीं करेंगे, आपसे कर ही नहीं सकते, कैसे कर लेंगे, आपसे भी नहीं करेंगे अगर आप अपने अपने को ठीक रखोगे। ये भक्त भदारी, माफ कीजिएगा अगर ये नाम मैंने गलत पढ़ लिया हो, तो एक मुस्लिम या इस्लाम ने दूसरे मजहब को
एक मुस्लिम या इस्लाम दूसरे मजहब को उतना ही सम्मान देता है या नहीं? धर्म के तो कोई टच कर ही नहीं सकता। बहुत ज्यादा समझ में नहीं आया सवाल मेरे, आप समझ समझा सकते हैं मुझे प्रश्न इसका उद्देश्य? तो फिर मैं जवाब दे रहा हूँ कि एक मुस्लिम या इस्लाम को, कोई मुस्लिम है या कोई या इस्लाम वाला है इस्लाम को इज्जत देता है, क्या दूसरे धर्म को उतनी इज्जत देता है? देखिए दूसरे धर्म इस्लाम ने जो रखा है इंसान को उतनी इज्जत देता है, चाहे वो जिस धर्म का मानने वाले, जहां तक इंसान की विचारधारा को नहीं। लेकिन किसी दूसरे धर्म की विचारधारा जिनको जिन चीजों को गलत समझते हैं उनके लिए अपमानजनक शब्द इस्तेमाल करने वाला है, उनसे बात की जाएगी कि ये ठीक है वो ठीक नहीं है, ये तो कहते हैं, लेकिन ये समझाकर अच्छे अंदाज में बात की जाएगी। इंसान के साथ में ज्यादती नहीं होगी, इंसान बराबर होगा। और दूसरे धर्म में सिर्फ उन बातों को इज्जत देगा। देखिए विचारधारा का तो फर्क है, जब विचारधारा का फर्क है तो अपनी बात समझाएंगे, अपनी बात समझाने की जरूरत वही पड़ेगी जहां बात बातों को हम समझेंगे कि ये ठीक नहीं है, वरना समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब दूसरे धर्म को उतनी इज्जत देता है कि जितने उनके कॉन्सेप्ट के हिसाब से सही है। हाँ। आपने जो भी जवाब दिया कि ये इंसान को इज्जत देता है, उसकी वजह से इंसान से नफरत नहीं कर सकते, धर्म है इंसानियत, उसकी वजह से इंसान से नफरत नहीं कर सकते, उसकी मान्यता की वजह से धर्म है मतलब उसके लिए जिन चीजों को उसमें ठीक नहीं समझते उसके लिए अपमानजनक शब्द नहीं कह सकते, मतलब उसको बताएंगे सही हमारे हिसाब से ये है। आप ये बताना चाहिए कि सही हमारे हिसाब से ये है, और अगर हमारी बात गलत हो तो हमें मान लेना चाहिए। हाँ। ये भी साथ में कुल मिला के अभी तक ये बात समझ नहीं आई कि ऐसा हो क्यों रहा है कि आतंकवाद को इस्लाम से जोड़ के देखा जाता है। आतंकवाद तो सब जगह है, और भारत में नहीं, दूसरे मुल्कों में भी सब जगह है, आयरलैंड के अंदर है, अब बात खाली यहाँ पे नजर आती है सीरिया में। कौन लोग सीरिया में? सिर्फ मुसलमान थोड़ी, सीरिया के अंदर ये अमेरिका क्यों लड़ने आ रहा है, सीरिया के अंदर ये रूस क्यों लड़ने आ रहा है, बात सिर्फ मुसलमानों की हो रही है, तो इसे छोड़े। आयरलैंड के अंदर क्यों जंग होती है, वहां कौन से मुसलमान है, तो बहुत सी जगहों पर बहुत कुछ होता है। लेकिन मैं तो सिर्फ इतनी बात कह रहा हूँ कि मैं मुसलमानों का रिप्रेजेंटेटिव होते हुए इतनी बात कह रहा हूँ, मुसलमान अपने आप को ठीक क्यों नहीं करते, ये ठीक कर ले फिर देखें कि उंगली उठती है कि नहीं उठती है, बाकी बात छोड़ो। जो लोग खिलाफत कायम करने की बात कर रहे हैं जैसे तालिबान या अलकायदा, अल नील कहाँ लिखा है, क्या कुरान इसका हुक्म देता है? कुरान खिलाफत कायम करने का ऐसे हुक्म नहीं देता जैसे खिलाफत कायम करने की ये लोग बात कर रहे हैं। सिर्फ इतनी सी बात देख लें कि अगर कहीं सचमुच इस्लामी स्टेट बन जाए, पहली बात तो ये कि उसके लिए कुरान में किसी एक जगह भी नहीं है कि तुम्हारी, एक जगह भी नहीं है कुरान की 6000 से ज्यादा आयतों में किसी एक में भी नहीं है तुम्हारी जिम्मेदारी थी हुकूमत कायम करना या खिलाफत कायम करना, ही नहीं कहीं। वहां तो सिर्फ दो बातें, एज इंडिविजुअल व्यक्तिगत रूप में तुम्हें बंदगी की जिंदगी गुजारनी, बंदे बनकर रहना है, सरेंडर का, सबमिशन का, उसकी इच्छा के, ये तो व्यक्तिगत। एक सामूहिक जिम्मेदारी भी है, सामूहिक जिम्मेदारी ये है कि तुम दुनिया के दूसरे इंसानों की भलाई की बात सोचो और उन तक पहुंचो और उनकी भलाई की बात करो, ये दो बातें हैं बस। कुरान ने कहीं नहीं कहा तुम्हें हुकूमत कायम करनी, कहा ही नहीं कहीं। अच्छा अगर अच्छे लोग होंगे और सब अच्छे हो जाएंगे किसी जगह, सब लोग मान लेंगे तो हुकूमत तो बन जाएगी, अगर उनकी अक्सरियत हो गई और लोगों ने मान लिया तब बन जाएगी तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हुकूमत बनानी है हथियार के तौर पर बनानी है, किसी को मारकर बनानी है, कुछ लोगों को हटाकर बनानी है, इसका तो कोई तस्वुर कहीं, एक आयत मुझे कहीं कुरान के अंदर दिखा दें, एक दिखा दें, 6000 में ज्यादा है ही नहीं, मौजूद ही नहीं। तो ये थोड़ा सा तस्वुर इनका या इनका कॉन्सेप्ट जो है वो डिस्टॉर्टेड है, चाहे वो लोग अच्छाई खुलूस से कर रहे हो, अच्छी नीयत के साथ में कर रहे हो, लेकिन वो उनका जो तरीका है वो तरीका इस्लाम का बताया वो तरीका नहीं। और हो तो मुझे एक आयत दिखा दे पूरे कुरान के अंदर कि तुम्हारा काम हुकूमत कायम करना था, स्टेट कायम करना था, तुम्हें ये जिम्मेदारी दी गई थी, तुमने क्यों नहीं की, मुझे एक आयत दिखा दे। जी देखिए संप्रदाय की बात, हाँ इस पे भी मैं और बात करूंगा, संप्रदाय आए कहाँ से और क्यों हो गए और कैसे इतने हो गए और सब धर्मों में हो गए, लेकिन ये लोग जो हैं इनके अंदर अतिवाद या तशद्दुद या इंतहा पसंदी ज्यादा है, एक्सट्रीमिज्म इन लोगों के अंदर जो ये वहां भी कहलाने लगे हैं, और इनको ज्यादातर एड मिलती है, इनके जो सपोर्टर्स हैं इनके पैसे की सपोर्ट बहुत है, पैसे की सपोर्ट इनको ज्यादातर मिलती है अरब देशों से, ये वहाबी वहां से, अरब देशों भी नहीं कहना चाहिए, ज्यादातर सऊदी अरब से इनको, ये वहाबी संप्रदाय को। तो होता ये कि अब इस वक्त तो बिजनेस बना हुआ है,
अब यहाँ यहाँ जो लोग बहुत सी जगह ऐसी हैं, सबको नहीं कह रहा, लेकिन इस वक्त ये पोजीशन बन गई है कि दो तरह के लोगों ने बिजनेस किया है उस जो एक इसके अलावा उनके भी बताऊंगा मुसलमानों ने इसके। अब उन्होंने सोचा कि भाई ये कोई लूटपाट करते थे, पुलिस भी पकड़ती थी, भाग दो ये सब होता था, तो एक और उनका धंधा दूसरा है उनका, वो बन जाओ वहाँ भी बन जाओ, उसे उसका दूसरा नाम है सेल्फी, सेल्फी एल ए, सेल्फी बन जाओ, तो उसमें क्या है वहाँ से एड आएगी तो फिर बड़ी ऊंची बिल्डिंग भी बनेगी, वहां पर रिपोर्टें भेजनी है कि अब हमने कितने मुसलमानों को और सेल्फी बना दिया, तो अब ये ना पुलिस भी पकड़ने नहीं आएगी, ये भी नहीं होगा, पैसे ही तो कमाने थे ना, वो जो लूटपाट कर रहे थे पैसे कमाने थे, उससे ज्यादा पैसे इसके अंदर आ रहे हैं, तो भाई इज्जत से बैठो, लोग इज्जत भी करेंगे कि साहब ये धार्मिक आदमी है और सब आके हाथ पांव भी जोड़ेंगे और फिर उनको रिपोर्टें भी करेंगे और पैसे आएंगे, अब तो फिर ये शुरू हो गए और पैसों की वजह से, और एक पैसों की वजह से, इससे पहले एक वो दूसरा संप्रदाय जो है वो ये तो नहीं करते थे लड़ने वड़ने, वो किसी से नहीं लड़ते, इसलिए कि उन्हें सबसे पैसे पकड़ने होते हैं, हिंदू से भी मुसलमान से भी, ये वहां भी तो अपने पैसे वहां से मंगाते हैं, उन्हें हिंदू न मुसलमान भी पैसे नहीं देते, और एक दूसरा संप्रदाय बरेलवी वो सबसे पैसे पकड़ना चाहता है हिंदुओं से भी मुसलमानों से भी, तो अब वो कहीं कुछ नहीं था, थोड़े दिनों में एक उन्होंने एक ताक बना दिया कहीं, पहले कुछ नहीं था और उसके ऊपर दो हार टांग दिए, अब जितने वहां से जा रहे हैं कि जितने वहां से निकल रहे हैं वहां जोड़ते हुए निकल गए, थोड़े दिन फिर पैसे रखने शुरू कर दिए, थोड़े दिनों में बड़ा हो गया, थोड़े दिन बाद वहां एक मजार बन गया, और यहाँ पे एक बुजुर्ग रहते थे, यहाँ एक हजरत रहते थे, ये रहते थे, अब ये बैठे हुए, और ये सब जुआरी लफंगे बदमाश दुनिया की अय्याशियां करने वाले जितने बैठे हुए वो पैसे लोगों के आ रहे हैं उनका, कि ये जो यहाँ पर बुजुर्ग हैं बहुत पहुंचे हुए थे, ये सबकी मुरादें पूरी करते हैं, और जो यहाँ पर आएगा उसकी मुरादें पूरी होंगे, मुरादें पूरी करने के नाम पे मुसलमान से ज्यादा हिंदू जाता है, तो अब वो जा जाके सब वो कहते हैं साहब ये तो बड़ी शांति की जगह है, यहाँ हिंदू भी आते हैं मुसलमान भी आते हैं, तो देखो यहाँ एकता, हम तो एकता स्थापित कर रखी है हमने, और वहां था कुछ भी नहीं, कोई बुजुर्ग नहीं रहते थे, कोई हमारे सामने कितने मतार बन गए जहाँ कुछ भी नहीं था, सीधी दीवारी थी हमारे बचपन से यहाँ तक, एक धंधा ये कि पैसे कमाने का, इसमें झगड़ा नहीं होता, वो अपना कमाते रहते हैं और वो उनके धंधे दूसरी तरह के होते हैं जो पैसा कमा के जो अंदर से करते हैं, जो अंदर से वो चलाते हैं, तो ये दोनों जो है पाखंड है, इनको जरूरत नहीं होती लोगों से, इनके पैसे उनसे आते हैं, ये हम बन गए, इन्होंने और गुंडागर्दी छोड़ दी और पैसे ऐसे कमाने शुरू कर दिए, तो इनके यहाँ जो है एक्सट्रीमिज्म ज्यादा है। अच्छा देवबंदी क्या होते हैं, बरेल भी होते हैं देवबंदी होते हैं, ये 125 साल पुराने हैं दोनों, इस्लामी मदरसा शुरू किया था, सिलेबस में संस्कृत रखी थी, इन्होंने बात को गायब कर दी सब चीजें, उन्होंने उसके अंदर संस्कृत तक उसके अंदर रखी थी सिलेबस के अंदर, ऐसा मदरसा उन्होंने कायम किया था, तो वो तो बहुत अच्छे आदमी थे, नीम के पेड़ के नीचे शुरू किया था उन्होंने 3-4 बच्चों को बैठा के, अब वो बड़ा हो गया, फिर वो वहां से आलिम निकलने लगे, अब वो आलिम जो है वो उनके पूरी दुनिया के अंदर एक थाप होने लगी, अब उसमें बहुत बड़ी तादाद वो भी है कि जो लोगों को ठगते हैं, तो इनका वहावियों का ज्यादा होल्ड है जो ये सब घटनाएं हो रही हैं, ये लोग जो एक्सट्रीमिज्म ज्यादा है ना, ये लड़ाई वाला और ये हिस्सा जो है ये उनकी विचारधारा में ज्यादा है, और ये सब उनकी विचारधारा क्या मतलब, इन्हीं चीजों को जैसे मैंने बताया कि ये पार्टी में से निकालते हैं और लोगों को दिखाते हैं, ये जो जिसके साथ में ये बना हुआ है उसको निकाल करके देखो ये जिम्मेदारी है तुम्हारी, अच्छा इन्हें तो कत्ल कर दो और जाओ जंग करो, सीधे जन्नत में जाओगे, जो मारे जाओगे तो सीधे जन्नत में जाओगे, वहां हर एक को 70-70 घूरे मिलेंगे, हर एक को जितने भी जन्नत में जाएंगे स्वर्ग में, और उनसे पूछे तो खफा हो जाते हैं, उनसे पूछे कि अच्छा अच्छा एक एक जो जो अच्छे मर्द होंगे पुरुष उनको तो 70-70 महिलाएं मिल जाएंगी, खूबसूरत बहुत वो हो रहे हैं, और जो अच्छी लेडीज हैं यहाँ पर उनको क्या मिलेगा, तो ये पूछे तो खफा हो जाते हैं, ये तो हूर का मतलब बताते हैं अच्छी शक्ल वाला, अच्छी तो अच्छी शक्ल वाली ना, तो अच्छी शक्ल, अच्छी शक्ल वाला ही मिल सकता है, वाली मिल सकती है, तो हूर का मतलब ऐसे करके बताते हैं, तो फिलहाल इस समय जन्नत कयामत तो भी आई नहीं, तो जन्नत इस समय फिलहाल खाली है क्या, पता इस समय जन्नत में कौन लोग हैं, सब एक वो है इकबाल, मशहूर इस्लाम के शायर थे इकबाल, हाँ अल्लामा इकबाल, इस्लामी शायरी बहुत ऊँचे फिलासफर थे, तो शेर तो मुझे याद मेरा उसका वो याद है, मफहूम याद है उसका नीली, तो उन्होंने कहा ये वो जो नरक है उसमें कोई आग वाग नहीं है, जितने लोग जाते हैं अपनी आग अपने साथ लेकर जाते हैं, अच्छा, जो कुछ कर रहे हैं वो खुद आग बनता जा रहा है, जितने वहां जाते हैं अपनी आग अपने साथ ले जाते हैं, तो जितना बढ़ाते जा रहे हैं उतनी आग उनकी बढ़ती जा रही है।
तुम्हारे कर्म आग 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 भड़का रहे हैं। तो हम वो पढ़ लें फिर जी शांत। ततो मा सद्गमये तमसो मा ज्योतिर्गमये मृत्योर्मामृतं गमये सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।